हेलो गाइस, हेलो, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल पो फॉरएवर। सो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं। ये मेरा प्लान था वीडियो बनाने का। सो आज का वीडियो कुछ अलग है, हटके है ना सागर? यस, ऐसा हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये वीडियो बनाएंगे। तो एक्चुअली दिस वीडियो इज अबाउट सम ऑफ द मिथ्स रिगार्डिंग मर्चेंट नेवी। लाइक बहुत लोगों को क्वेरी होता है, डाउट होता है, जो कि मुझे भी था। नाउ आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 5 इयर्स, सो मुझे वो क्वेरी सब मेरे रिजॉल्व हो गए। बट ऐसे बहुत लोग हैं। हाँ, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, मतलब मिडल में हूँ, मैं सीख रही हूँ। रोज नया नया कुछ ना कुछ सीखने मिलता है मुझे। सो बहुत सारे लोगों को होता है। हाँ, बहुत सारे लोग को क्वेरी होता है। मैक्सिमम जो नहीं है उन वो छोड़ के, मतलब जो है वो छोड़ के बाकी सब लोग को पता नहीं होता है। या बहुत लोग को इंडियन नेवी मर्चेंट नेवी के बारे में डिफरेंस नहीं पता होता, जो कि मुझे भी नहीं पता था। पता है जब सागर ने मुझे बोला आई एम इनटू मर्चेंट नेवी, आई सेड अरे तूने तो बोला था इंडियन नेवी ना, ऐसा तो मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। सो टुडे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सागर आए हैं हमारे चैनल पे, जो कि हम उसके बहुत आभारी है। हो गया। एंड ही हैज टेकन अ बिग चेक ऑल्सो फ्रॉम मी फॉर कमिंग इनटू दिस एपिसोड। सो प्लीज ये वीडियो देखिए। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं, जो कि मुझे भी थे पहले, और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे, तो उसमें लोगों ने कुछ क्वेरीज पूछा था, तो वहां से मैंने उठा लिया, जो कि कॉमन क्वेरीज है मर्चेंट नेवी के बारे में। सो चलिए, मैंने कुछ अराउंड पता नहीं कितने क्वेश्चंस, कुछ 12-15 क्वेश्चंस लिखे हैं, कॉमन क्वेश्चंस, क्योंकि हर किसी को होता है। क्या हुआ? एग्जाम है क्या मेरा? या एग्जाम है। सो चलिए, लेट अस नो कि वो मिथ है कि ट्रूथ है अबाउट मर्चेंट नेवी फ्रॉम द सेलर हिमसेल्फ सागर राजपूत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चलिए, सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। माय फर्स्ट क्वेश्चन है सागर कि सी फेयरर्स अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ये है मेरा क्वेश्चन। तो इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स, और क्या होता है वो बताइए। यस इट इज ट्रू, पर पैसा सबका अलग अलग होता है, लाइक सबका स्पेसिफिक रैंक होता है, तो हर एक रैंक का अलग अलग आपको सैलरी मिलती है। तो जो लोअर रैंक पे रहता है उसको कम होता है, बट उसको भी काफी सैलरी है कंपेयर टू जो शोर पे जॉब कर रहा है। तो ये सैलरी तो है ज्यादा, बट सैक्रिफाइस भी बहुत कुछ करना पड़ता है। वो भी दूसरा इसका ये है, आप 8-8 महीने अपने फैमिली से दूर रहते हो, तो वो तो पैसे से उसको यू कैन नॉट कंपेयर दैट, बट यस सैलरी है ज्यादा। सेकेंड क्वेश्चन इज सी फेयरर्स कंज्यूम अल्कोहल ऑल द टाइम, मतलब तुम लोग जब काम पे होते हो तभी भी तुम लोग अल्कोहल फ्री में तुम लोग पी सकते हो एंड ऑल दैट, दैट इज द क्वेरी। ये बिल्कुल गलत है। ऑल द टाइम फर्स्ट थिंग है कि अल्कोहल आज के टाइम में बहुत सारे शिप्स पे नहीं है, मैं तो मैक्सिमम शिप्स पे नहीं है। जैसे अलग अलग टाइप के शिप्स होते हैं, और जो ज्यादा डेंजरस शिप्स होते हैं उनपे तो अल्कोहल है ही नहीं। जैसे टैंकर्स है, आप पेट्रोल वेट्रोल कैरी कर रहे हैं, केमिकल कैरी कर रहे हैं, वहां आप उसमें अल्कोहल नहीं मिलता। पार्टी में भी नहीं मिलता है? पार्टी में मिलता है, मतलब कोई कोई कंपनीज में ऐसा है कि उन्होंने अल्कोहल जीरो अल्कोहल पॉलिसी होती है उनकी, तो अल्कोहल होता ही नहीं है। तो मतलब पार्टी में भी आप पार्टी में भी नहीं होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होगा, मतलब 6-8 months रूल है या नो लिकर। बट सब शिप्स नहीं होता, सब शिप्स पे नहीं होता, वो अलग अलग कंपनीज में होता है। बट अभी मैक्सिमम शिप्स पे हो गया है कि हार्ड लिकर इज नॉट अलाउड, ओनली बियर इज अलाउड। एंड कैन यू कंज्यूम इट लाइक एनी टाइम ऑफ द डे और हाउ इज इट? यू कैन नॉट कंज्यूम। स्टैंडर्ड रूल है, होता है कि 4 आवर्स ऑफ वॉच जैसा आपका जब टाइम शुरू होता है आपके काम का, हाँ उसके विद इन 4 आवर्स में आप कंज्यूम नहीं कर सकते, उससे पहले आप पी सकते। उसमें भी आपका लिमिट्स दिया हुआ है उन्होंने कि इतने लिमिट में आपका होना चाहिए अल्कोहल कंटेंट जो ब्लड में होना चाहिए। कि अगर आप गलती से आप किसी ने आपको पकड़ा शिप पे ही और अगर आपने कंज्यूम किया है अल्कोहल अबाउट दैट लिमिट, तो फिर वो आपको साइन ऑफ करा देंगे, आपको उतार देंगे, तो आपकी जॉब भी जा सकती है। हाँ, जॉब भी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहल कंज्यूम करके, एंड इट इज नॉट गुड ऑल्सो बिकॉज शिप पे कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, तो अल्कोहल के कंजम्पशन में रहना तो ऐसे खुद के लिए सेफ नहीं है। अगर कुछ हो जाए कल तो आप तो निकल ही नहीं पाओगे, तो वो गलत पहले होता होगा, बट आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल अल्कोहल का बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, तो इट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट नाउ अडेज, यू कैन नॉट कंज्यूम।
Third question is, seafarers are always seasick. Seasick. पहले तो आप ये बताइए सागर सीसिक क्या होता है, मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा सीसिकनेस. सीसिकनेस तो नॉर्मल, जैसा हम बहुत सारे लोग जैसे बस में ट्रैवल करते हैं, किसी किसी को होता नहीं है, मोशन सिकनेस होता है जिसको बोलते हैं आप. जैसे आप कोई राइड्स वगैरह में बैठते हैं, झूले, मुझे होता है, हाँ, बड़े बड़े झूले में बैठते हैं तो आपको वॉमिटिंग टाइप फीलिंग होता है, चक्कर आता है. वैसे अब अगर आप सी में रहते हो तो आपको सी सिकनेस होता है. तो सी सिकनेस सी सिकनेस क्यों होता है? बिकॉज क्या होता है कि वेदर खराब होता है बहुत टाइम, जैसा समुन्दर है तूफान टाइप आ गया तो शिप जो है वो स्टेडी नहीं होता है, तो वो बहुत हिलता है. तो हिलता है, जब भी हिलेगा तो ऑब्वियसली आपको, जैसा मैंने बोला राइट साइड में बैठते तो होता है वैसा, तो आपको भी लगेगा कि आप काम कर रहे हैं वहां पे. जैसे आप नॉर्मल यहाँ पे रहो और आपको कोई ऐसे हिला दे तो आपको कंटिन्यूसली अगर हिलता रहेगा तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा बराबर. तो उसमें उसी को सी सिकनेस बोलते हैं. तो बहुत लोगों को होता है और मैंने तो देखा है जो बहुत सीनियर लोग हैं अभी भी जो बहुत 20-25 ईयर से भी काम कर रहे हैं उनको भी होता है. तो ऐसा नहीं है, और जिनको नहीं होता है यंग लोग उनको नहीं होता है, ऐसा भी होता है. तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, बट मैक्सिमम लोगों को होता है. मेरे को नहीं होता है. मेरे को सी सिकनेस नहीं होता है. सी सिकनेस मतलब जो ज्यादा वर्स्ट जो होता है जिनको, उनको वॉमिटिंग हो जाता है, वो लोग काम कर ही नहीं सकते, उनको एक ही जगह पे बैठना है या वो सोते हैं. तो मैं काम वाम करता हूँ बट थोड़ा सा जो हमारा वर्क एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाता है कि काम करने का ये, बिकॉज आपके सिर थोड़ा सा आपका घूमता है तो काम आपका जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है, बट तो, आप काम कर सकते हो. तो क्या सी पेरेंट्स हमेशा सीसिक रहता है? नहीं, हमेशा नहीं सीसिकनेस होता. वेदर जब खराब होगा तभी होता है, नॉर्मली नहीं होता, और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे. ओके, द फोर्थ क्वेश्चन, सी फेरर्स गेट टू सी न्यू कंट्रीज. ये तो मुझे भी क्वेश्चन था जब मैं फर्स्ट, जब मैं सागर को जाने लगी थी, तब इवन आई आस्क्ड कि तुम लोग को अच्छा है ना यार नए नए कंट्रीज देखने को मिलता है. तो यही देख के, यही सुन, इसके बारे में सुन के बहुत लोग ज्वाइन करते हैं. मैक्सिमम लोगों को तो यही सुनने में आता है जब, और वो आजकल तो मीडिया का जमाना है तो बहुत जो 12th पास करते हैं या 12th में रहते हैं उन लोग देखते हैं, अरे वहाँ ये घूम रहा है इधर, ये घूम रहा है उधर, पोर्ट में जा रहा है, ऐसे कंट्री में घूम रहा है. हाँ, पर वो सही है, आपको घूमने तो मिलता है बट टाइम ज्यादा नहीं मिलता, और डिपेंड भी करता है आप कौन से टाइप के शिप पे हो. जैसे कुछ कुछ शिप्स रहते हैं जो पोर्ट में ज्यादा टाइम रहते हैं तो उनको थोड़ा घूमने ज्यादा मिलता है. कुछ शिप्स होते हैं जैसे मेरे टैंकर्स पे है, आपको एक दिन या दो दिन मैक्सिमम, उससे ज्यादा आप नहीं रहते, और उसमें भी आपको काम करना पड़ता है. ऑब्वियसली पोर्ट पे रहेगा तो ऐसा नहीं होता है कि आपको छुट्टी मिलती है, काम आपको हर दिन करना पड़ेगा. 8 घंटा तो आपका जो काम है वो आपको करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा काम आया तो आपको वो भी करना पड़ेगा. तो यू हैव टू मैनेज. और बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं या कंट्रीज होते हैं जहाँ पे बाहर जाना अलाउड नहीं होता. आजकल काफी स्ट्रिक्ट हो गया है तो बहुत सारे कंट्रीज में अलाउड नहीं है. हाँ, अगर अलाउड है तो आप जा सकते हो बाहर, और पर आपको विद इन दैट टाइम फ्रेम, जो आपका काम, जो आपका वॉच शुरू होने वाला है उससे पहले आना पड़ता है. तो नॉर्मली 6 घंटे का टाइम होता है, मैक्सिमम 8 आवर्स होता है. तो विद इन 8 आवर्स यू हैव टू कम बैक इफ यू गो अशोर. तो घूमने तो मिलता है, अगर पोर्ट में अलाउड है कोई भी तो आप जा सकते हो कोई भी कंट्री के पोर्ट में. तो बेसिकली इट्स लाइक कि हर एक पोर्ट के बाहर आप जा नहीं सकते हो. नहीं, हर एक पोर्ट में, डिपेंडिंग अपॉन द पोर्ट रेगुलेशन जो है कि आपको, सिर्फ वही होता है कि शिप घूमता है बहुत सारे कंट्री में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दे ऑल्सो गेट टू सी. बट ऐसा भी है कि बहुत सारे अच्छी अच्छी जगह भी आपको देखने मिलेगी. अब जो है कुछ कुछ छोटे कंट्रीज है जहाँ पे रिमोट एरियाज में कभी कभी चले जाते हैं, जहाँ पे टाउन्स में अंदर कभी कभी, जैसे कंटेनर शिप्स तो है वो काफी अंदर चले जाते हैं पोर्ट्स में, तो उनके लिए अच्छा, बट उनका भी हेक्टिक होता है शेड्यूल. तो मैक्सिमम तो आपको जाने मिलेगा, बट वही है कि आपके पास टाइम फ्रेम बहुत कम होगा. तो आप इतना ये नहीं कर पाओगे, जस्ट थोड़ा बहुत घूम फिर के आ सकते हो, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो, बट हाँ घूमने आपको मिलेगा. बट ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने पोर्ट्स में जा रहे हो जब फ्रीक्वेंटली. कोई कोई शिप्स होते हैं जो 1 महीने बाद पहुंचते हैं पोर्ट में, तो आपको 1 महीने के बाद जाने मिलेगा. ऐसा टाइम फटाफट हर टाइम नहीं मिलता, डिपेंड करता है आपके रूट पे और जो पोर्ट का फिर रेगुलेशन है, तो आपको मिलेगा जाने. अच्छी अच्छी जगह देखने मिलती है. नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन, सी फेरर्स हैव एन इजी लाइफ विद 6 मंथ्स ऑन लैंड एंड 6 मंथ्स ऑन सी. क्या आपकी लाइफ इजी होती है कंपेयर टू
people working on the land. So, क्या आपकी job ऐसी है कि 6 months आपको काम करना, 6 months आपको off होती है, कैसे है? Okay, तो ये बहुत लोगों को मतलब जो land पर रहते हैं उनको ऐसे लगता है कि 6 months हम लोग बाहर रहते हैं तो उनका next question मतलब उनका actually judgment ऐसे होता है कि अरे वो तुम्हारा जॉब तो अच्छा है, 6 महीना काम, 6 महीना आराम है ना अभी, वैसे बोलते हैं. तो वैसा नहीं होता है. 6 महीना काम भी डिपेंड करता है, हर एक का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है. जैसे जो क्रू में होते हैं, बेसिकली जो क्रू वाले होते हैं उनका 8 months 9 months का कॉन्ट्रैक्ट होता है. ऑफिसर्स जो जूनियर होते हैं उनका 6 months होता है, और जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जैसे कैप्टन, चीफ इंजीनियर, उनका 4 months होता है, 3 months होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी. तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो आपको करना ही है, बट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब आप आते हो तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कब ज्वाइन करना है वापस. आप 1 महीने बाद भी कर सकते हो, आप 2 महीने बाद भी कर सकते हो. कंपनी जैसे आप साइन ऑफ करेगी तो कंपनी कॉल करके आपको पूछेगी कि आपके अवेलेबिलिटी क्या है नेक्स्ट. तो यू कैन गिव देम रफली कि कितना कब आप ज्वाइन करना चाहते हो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो एक स्पेसिफिक डेट डाल के रख देंगे. और अगर आप 1 साल तक बोलोगे नहीं मेरे मुझे अभी कुछ एग्जाम देना है आगे प्रमोशंस के लिए, या मुझे कुछ हाँ मैं थोड़ा टाइम ब्रेक लेना चाहता हूँ, जो भी है, तो आप उनको वो भी बोल सकते हो. तो उनके वो उसमें अवेलेबिलिटी में डाल देंगे 1 साल. तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता कि आपको 6 महीने में ज्वाइन करना है या 2 महीने में ज्वाइन करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू. बट कुछ कुछ कंपनीज है जो जैसे आपको इसमें भी 2 चीज होती है. सीफेयरर्स लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जाता है बेसिकली, मतलब परमानेंट जॉब नहीं होता. तो आप जितने टाइम काम करते हो आपको उतनी सैलरी मिलती है. बट कुछ कुछ कंपनीज है, ओनरशिप कंपनीज बोलते हैं, जो आपको राउंड द ईयर वेजेस देती है, मतलब आप काम नहीं करोगे तभी भी आपको सैलरी मिलेगी, और उसमें फिक्स्ड हॉलीडे होता है. हाँ, तो उसमें उनका ये होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको फिक्स हॉलीडेज होगी, मतलब अगर आप 3 महीने काम करोगे तो आपको 2 महीने की छुट्टी मिलेगी. तो 2 महीने के बाद आपको ज्वाइन करना ही है वापस, अनटिल अनलेस कुछ आपका कुछ इमरजेंसी या कुछ एक स्पेसिफिक रीजन हो ज्वाइन नहीं करने का, वरना आपको करना ही पड़ेगा ज्वाइन, क्योंकि वो और आपको राउंड ईयर वेजेस दे रही है. ऑब्वियसली कोई साल भर पे कर रहे, आप सिर्फ 3 महीने काम कर रहे हो, 9 महीने घर में बैठ रहे हो, तो वो कंपनी पैसा थोड़ी देगी आपको. तो वो एक अलग सिनारियो होता है. तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि 6 months काम और 6 months आराम, 8 महीना 2 महीना भी हो सकता है या 8 महीना 4 महीना भी हो सकता है, डिपेंड करता है. बट जो कॉन्ट्रैक्ट आपने जो साइन किया है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा, एंड तब तक सैलरी मिलती है. हाँ, जैसे तब तक आप जितना टाइम आप ऑन बोर्ड रहते हो तब तक साइन ऑफ तक आपको सैलरी मिलती है, ज्वाइनिंग से साइन ऑफ तक पूरे आपको पैसे मिलेंगे. घर में आते हो सैलरी स्टॉप हो जाती है, एंड ऑब्वियसली अभी जब सैलरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली यू थिंक कि 6 महीना रुकना है कि 5 महीना की 4 महीना. तो पीपल यूजुअली स्टे फॉर 2-3 months एंड देन दे अगेन ज्वाइन. डिफरेंस बिटवीन द मर्चेंट नेवी एंड इंडियन नेवी, क्या दोनों सेम होता है? नेवी है ना दोनों, तो क्या होता है मतलब मर्चेंट नेवी एंड इंडियन नेवी? मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी बहुत अलग है. फर्स्ट चीज है इंडियन नेवी जो डिफेंस हम लोग बोलते हैं वो इंडियन नेवी डिफेंस होता है. जो 3 डिफेंस में हम बोलते हैं 3 चीजें होती है मेन इम्पॉर्टेंट पिलर्स बोलते हैं इसको, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. तो उसमें जो नेवी है उसको इंडियन नेवी बोलते हैं बेसिकली. जो आपने देखा होगा शिप्स जो चलते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन, दैट इज इंडियन नेवी. तो वो गवर्नमेंट जॉब है. बट मर्चेंट नेवी एंटायरली प्राइवेट भी है, इसमें गवर्नमेंट भी है बट ये प्राइवेट है. एंड मर्चेंट नेवी को आप मोस्टली सेमी डिफेंस बोलते हैं. बट मर्चेंट नेवी में क्या होता है कि इंडियन नेवी तो सबको पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को इंडियन डिफेंस है बेसिकली, मतलब अपना डिफेंस स्ट्रांग रखना है. तो उसके लिए आपको डिफेंस का एग्जाम देना पड़ता है नेवी के लिए, इंडियन नेवी के लिए. तो वो एक अलग चीज है. मर्चेंट नेवी में बेसिकली जो लोग को नहीं पता, मर्चेंट नेवी में कार्गो कैरी किया जाता है. तो कार्गो जो बेसिकली होता है जो यही सब चीजें हैं, जो जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब अभी क्या बड़ी बड़ी चीजें हैं जो जहां पे प्रोड्यूस होती है. जैसे गल्फ में जाएंगे आप, सऊदी हो गया, बहुत सारी कंट्रीज हो गई जहां पे ऑयल प्रोड्यूस होता है. तो अभी वो उसको वो वहां से एक्सपोर्ट करना बहुत सारी जगहों पे बल्क में, तो उसके लिए शिप्स यूज किया जाता है. बिकॉज शिपिंग एक ऐसा ट्रेड है जो फ्री है बेसिकली, मतलब
फ्री इन द सेंस पोर्ट में आप जाओगे तो पैसा लगेगा पोर्ट के जो इसके लगता है, बट इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं जो लिमिट्स के बाहर होते हैं वो फ्री है, उसमें कुछ पैसा नहीं लगता। जैसे आप फ्लाइट में जाओगे तो आपको पैसा देना पड़ता है टिकट का एंड ऑल, बट इसमें आपको कुछ नहीं है, ये फ्री है। तो इंटरनेशनल वाटर्स में देयर आर नो चार्जेस। तो वो डीजल का, हाँ, जो आपका मेंटेन करने के लिए है वो आपको, वो आपको देना पड़ेगा। पोर्ट में आ रहे हो तो पोर्ट के ड्यूज वगैरह जो भी होते हैं बेसिकली, जैसे टोल वोल हम भरते हैं वैसे वैसे नॉर्मल ड्यूज होते हैं, पायलट आएगा तो जो भी है चीज। बट मर्चेंट नेवी प्योरली कमर्शियल है, तो और वो जो है वो डिफेंस इसका है, डिफेंस का है बेसिकली, गवर्नमेंट का है और ये कमर्शियल है। मर्चेंट नेवी इज लाइक ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, हाँ ट्रांसपोर्टेशन ही है वो एक तरह से, जो बल्क में जाता है गुड्स, बहुत सारी क्वांटिटी में जाता है, क्योंकि प्लेन में आप इतनी सारी चीजें नहीं कैरी कर सकते हो ना ऑब्वियसली, तो ये सब जाता है शिप के थ्रू, वेरी इजी टू कैरी एंड इन लार्ज क्वांटिटीज। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, कार्गोज भी बहुत सारे हैं, शिप्स के टाइप भी बहुत सारे होते हैं। द सेवेंथ क्वेश्चन इज, सी फेरर्स मस्ट बी ग्रेट स्विमर्स। सी फेरर्स मस्ट बी ग्रेट स्विमर्स, नहीं ऐसा कुछ ये नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप लोगों को स्विमिंग नहीं आएगी तो चलेगा? स्विमिंग हाँ नहीं आएगी तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि यू कैन नॉट गो ऑन द शिप, कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है ऐसा कुछ ये नहीं है, इसका पर्टिकुलर कुछ एग्जाम तो नहीं होता। बट जो आप जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हो कोई, मतलब जैसे आप कोई कॉलेज में जाते हो हर चीज की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ऑब्वियसली, आप इंजीनियर बन रहे हो तो आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी कॉलेज में जाके, वैसे मर्चेंट नेवी में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी डिपेंडिंग कि आपको कौन से रैंक पे जाना है, कौन से साइड में जाना है, डेक साइड में जाना है, इंजन साइड में जाना है। तो आप कॉलेज में कोई भी एंट्री लेते हो तो कॉलेज में क्लासेस होते हैं स्विमिंग के, तो आपको नॉर्मल स्विमिंग सिखाई जाती है वहां पे, बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्सपर्ट होना चाहिए। हाँ एक्सपर्ट होना चाहिए, लाइक इंडियन नेवी, अगर नेवी में हो तो आपको ऑब्वियसली स्विमिंग आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, तो दे विल मेक श्योर दैट यू नो स्विमिंग। बट मर्चेंट नेवी में ऐसा नहीं है, स्विमिंग इज कंपल्सरी। बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं आती स्विमिंग, सागर भी क्योंकि हाँ मतलब फ्लोट होना बहुत काफी है, बिकॉज स्विमिंग करोगे अगर आप तो, हमें ऐसा मतलब हमारे प्रैक्टिकल्स में भी होता है एंड वी आर टोल्ड दैट कि आप स्विमिंग करोगे तो आप ज्यादा एनर्जी वेस्ट करोगे, तो आप जल्दी आपको फिर बॉडी में हीट लॉस सब हो सकता है एंड इट विल क्रिएट मोर फर्दर प्रॉब्लम्स। सो वो आप पढ़ोगे, जिन जिन को पता है डिटेल में तो आपको मालूम पड़ेगा। तो हमें वो जैसे लाइफ जैकेट बोलते हैं जिसको बोलते हैं, उसी को पहन के यू हैव टू रिमेन काम एक जगह पे स्विमिंग करके, समुन्दर के बीच में आप स्विम करके कहां तक पहुंच जाओगे? तो हाँ, बट एक एडेड एडवांटेज है, अगर कभी गलती से कुछ आप गिर गए या कुछ भी हुआ तो अगर आपको स्विमिंग आती है, एटलीस्ट फ्लोट होने आता है, तो आप थोड़ा टाइम ज्यादा सर्वाइव कर सकते हो, वो एक चीज है, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि स्विमिंग के बिना आप जा नहीं सकते। तो जिसको भी नहीं आता स्विमिंग तो टेंशन मत लीजिए, आप हाँ, ज्वाइन कर सकते हो मर्चेंट नेवी। या बट इट इज बेटर टू लर्न, अगर आपको ज्यादा चीजें आती है ऑब्वियसली, जितना आप ज्यादा चीजें आपको आते हैं उतना आपको अच्छा लगेगा ना, किधर भी स्विमिंग कर सकते हो, यार मुझे भी सीखना है, बहुत मन है, सीख लो जिनको भी सीखना है। एट क्वेश्चन इज, क्या ऐसे क्या केबीसी थोड़ी है, मैं पूछूंगी, डोंट हैव एनीथिंग टू डू एट सी। जैसे मैं भी सागर हमेशा अभी भी बोलती मैं सागर तुम लोग करते क्या हो यार शिप पे, कुछ काम नहीं होगा तुम लोग को, जब सागर बोलता है बहुत बिजी हुए बहुत बिजी, देखते क्या बोलते सागर। अरे इसके लिए तो मैं दो दिन तक बोल सकता हूँ, क्या काम नहीं करते हम लोग। जैसे आज ही हम लोग को मैं क्लास कर रहा हूँ कहीं पे तो इंस्टीट्यूट में, तो आज ही वहां पे एक सर बता रहे थे कि क्या वो एक दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वर्टिकल होते हैं और एक हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो जो सी फेरर्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल में आते हैं और बाकी जो लोग होते हैं जैसे वो वर्टिकल में आते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि जैसे अभी हमारे घर में पानी के नल से लीक हो रहा है कुछ, तो वी विल कॉल द प्लम्बर, तो प्लम्बर को अगर तुम बुलाओ जो स्पेसिफिक प्लम्बर है और उसको तुम बोलो कि तुम इलेक्ट्रिशियन का काम कर दो तो ही विल नॉट डू, बिकॉज वो उसी में माहिर है, ही इज वो मतलब प्रोफेशनल है प्लम्बरिंग के जॉब में, तो वो इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं कर सकता। तो वो वर्टिकल टाइप के लोगों में आता है, बट सी फेरर को ऐसा नहीं है, सी फेरर को सब काम आना चाहिए जो शिप पे है,
ही कैन नॉट से कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता बिकॉज मैं इसमें स्पेशल हूं. तो हाँ वही मेरे को एग्जाम्पल याद आया अभी. पर हम लोग का जो आप जॉब देखेंगे, हाँ एक है कि एक स्पेसिफिक रैंक को एक स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट जो उसका पर्टिकुलर जॉब है वो दिया गया है, बिकॉज वो तो जॉब तो क्या इम्पोर्टेंस दिया हुआ है कि ये तुमको पहले करना है, ये तुम्हारा पहला काम है. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो वही सब चीजें आपको ऊपर जाने में हेल्प करेगी. और जब आप टॉप पे आओगे जैसे कैप्टन हो जाता है तो आपको वो सब चीजें पता होनी चाहिए. जो टॉप पे बैठा है उसको पता होना चाहिए ऑब्वियसली, देन ओनली ही कैन गाइड एंड देन ओनली ही कैन एडवाइस पीपल हु आर बिलो हिम. तो उसको ये पता नहीं ऊपर में तो वो नीचे क्या ये करेगा. तो और मैं काम पे आता हूँ, काम तो आप इतनी लंबी लिस्ट है ना, अगर जो सी फेरर जो है उसको तो पता ही है, जो नहीं जिनको नहीं पता कि हम कुछ नहीं करते भाई, तो आपको शिप पे आके देखना पड़ेगा, वो एक्सप्लेन करना है. तो बहुत क्या एग्जाम्पल बताइए थोड़े से, क्या काम होते हैं आपके? जैसे काम जैसे जैसे शिप पे अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, शिप तो स्टील का मतलब लोहे का होता है, तो लोहे की चीज तो रस्ट पकड़ती है, तो रस्ट पकड़ेगी. और सी में तो सॉल्ट, सी एक्चुअली सी वाटर जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है उसका, तो रस्ट पकड़ता है. अभी रस्ट हो जाएगा तो खोखला हो जाएगा, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है. तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, उसको क्लीन करके उसको पेंट करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें आ जाती है. फिर जब आप कार्गो कैरी कर रहे हो, वो कार्गो लोड करना है, कार्गो डिस्चार्ज करना है, फिर जो लाइफ सेविंग अप्लायंसेस है, फायर फाइटिंग अप्लायंसेस होते हैं, उनको मेंटेन करना है रेडीनेस में, क्योंकि शिप ऐसी जगह है जहां पे कुछ भी हो सकता है. एंड यू विल नॉट गेट द सपोर्ट, क्योंकि आप समुन्द्र के बीच में, आपको खुद ही अपना ध्यान रखना है. जितने लोग हैं 20-22 लोग, तो आपको खुद ही अपना ध्यान रखना है. तो यू कैनॉट कॉल एनीवन, आने में तो कितने टाइम लग जाएगा किसी को भी आने के लिए. तो यू हैव टू अपने जान के लिए आपको खुद सब रेडी करके रखना पड़ेगा. और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो नेविगेशन है. अभी समुन्द्र में बीच में आप अकेले नहीं हो जो शिप चल रहा है पूरे समुन्द्र में, बहुत सारे शिप्स है, तो आपको नेविगेट करना पड़ता है सेफली एक जगह से दूसरी जगह. तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती है. उसी में वॉच रखते हैं और दिन रात 24 आवर्स काम चलता है. ऐसा नहीं कि शाम को शटर डाल दिया और निकल गए, 24 आवर्स चलता है. और कोई भी टाइम में पोर्ट में भी ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं होता कि आपको ये टाइम पे आना है सुबह से शाम 9 to 5. नो, जो भी टाइम पे आप पहुंचो आप. और एक मेन चीज है कि दे डोंट गेट अ हॉलीडे आल्सो, नो संडेस, नो पब्लिक हॉलीडेज. ऑन शिप एवरीडे इज मंडे फॉर अस. ऐसा है कि आपको संडे संडे, दैट इज व्हाई उनको सैलरी थोड़ा सा ज्यादा मिलता है. बाकी कोई अगर सब चीजें देख के, अगर आप जो सीफर है उसको पता, सब चीजें देख के आप अगर बोलोगे सैलरी का, तो आपको तभी भी लगेगा कि सैलरी कम है फॉर व्हाट वी आर डूइंग ऑन बोर्ड. वो एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा. ऐसे दूर से देखने से तो सबको सब कुछ अच्छा ही लगता है, बट सिर्फ मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, बट इट इज नॉट एन ईजी जॉब. अगर आप सीफर मतलब सी लाइन में आना चाहते हो तो आपको हार्डवर्क तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पेशेंस भी, और एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए बेसिकली लेने चीजें सीखने का. एंड यू कैनॉट कंप्लेन, अरे मैं मुझे 8 घंटा, मैं 16 घंटे से काम कर रहा हूँ, मैं 18 घंटे से काम कर रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है. ऐसा नहीं, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज लोग हैं नहीं एक्स्ट्रा, आप किसको मंगाओगे, आपको खुद करना पड़ेगा. तो काम तो बहुत है. सो अगर आपको जाना है मर्चेंट नेवी में तो बी रेडी टू वर्क लाइक एनीथिंग कैसे भी. द 9th क्वेश्चन इज, Is calling available? Like, आप कॉल कर सकते हो घर में, आपके पास नेट होता है क्या शिप पे? कॉलिंग कैसे होता है? हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर फैमिली एंड ऑफिस एंड ऑल दैट? कॉलिंग इज अवेलेबल, और आजकल तो सब शिप्स पे नेट भी लग गया है, मतलब वाईफाई. तो डिपेंड करता है अभी कि आपके इस पे क्या प्लान शिप पे चल रहा है. तो जैसे मेरे लास्ट शिप पे था $10 का, मतलब 500 MB फ्री मिलता था नेट एवरी मंथ. एंड उसके ऊपर अगर आपको लेना है, जैसे आपका खत्म हो गया 500 MB, तो आप $10 का रिचार्ज कर सकते हो जो आपको और 500 MB देगा. तो उसमें कुछ लिमिट नहीं था, जितना भी आपको चाहिए यकीन नहीं करोगे, 500 MB तो कुछ नहीं है यार. जब हम कॉलिंग करते थे, सागर कॉल करता था तो धनाधन MB ऐसे जाते थे ना, कि कभी कभी तो 2 दिन में ही $10 खत्म हो जाते थे. हाँ, 500 MB बहुत जल्दी जाता है, खास करके आप वीडियो कॉलिंग करोगे तो. ज्यादा करके आप ऑडियो कॉलिंग करना पड़ता है,
या तो फिर टेक्स्ट मैसेज करना पड़ता है व्हाट्सएप पे जो भी है. एंड ही डिडंट इवन गेट अ चांस टू यूज फेसबुक इंस्टा. हाँ वो सब कुछ भी नहीं, बिकॉज़ फाइनल टाइम में आप क्या यूज करोगे. हाँ, वो सब आप खोलोगे तो आजकल तो ऑटो में चलता है वीडियोस तो फटाफट कंज्यूम हो जाता है. तो फॉर 6 मंथ्स ही डिडंट यूज इंस्टा फेसबुक नथिंग. हाँ मैंने यूज किया ही बिकॉज वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता था. कभी कभार ऐसे मतलब पोर्ट पे आते हैं तो यूज टू गेट नेट. पोर्ट पे आएंगे तो सिम कार्ड मिलता है, बहुत सारे पोर्ट्स में होता है वो भी खरीदना पड़ता है. हाँ कि बाहर से कोई कुछ लोग आते हैं जो सिम कार्ड वगैरह लेके आते हैं तो वो आप यूज कर सकते हो. उसका भी प्राइस वैसे ही होता है, कोई कोई जगह में $10 कोई कोई जगह में $20 होता है, डिपेंड करता है प्लान पे 2GB 4GB. बट वो जब पोर्ट में हो गया आप 2 दिन 3 दिन या 1 दिन तब तक ही चलेगा, उसके बाद कुछ यूज नहीं है. और कॉलिंग आपको सैटेलाइट के थ्रू भी कर सकते हो, सैटेलाइट के थ्रू भी होता है, उसमें भी डिपेंड करता है अलग अलग है. कोई $10 का होता है जो 60 मिनट्स देता है, कोई जो मैं जब ज्वाइन किया था मैंने तब तभी $42 का कार्ड था सैटेलाइट का विच यूज टू लास्ट फॉर 60 मिनट्स. तो तभी तो हम हफ्ते में 10 दिन में एक बार ही कॉल करते थे, बस घर पे बोलते थे कि हाँ सब कुछ ठीक है हम यहाँ है, यहाँ से निकले बस फोन रख दिया. या मैक्सिमम वी यूज टू यूज मेल तो चलता है बट अभी काफी मेल मतलब शिप का मेल होता है, वो नॉर्मल जीमेल वगैरह नहीं होता. शिप का मेल स्पेसिफिक आईडी मिलता है जो कैप्टन के थ्रू जो जाता है मेल, तो वो आप कर सकते हो. वो भी अभी है बट मोस्टली अभी वाईफाई सब शिप्स पे आ गया है, रिक्वायरमेंट ही आ गई है वेलफेयर की तो वाईफाई वगैरह आ गया है. तो सब पे अलग अलग है, कोई कोई शिप्स पे फ्री भी होता है 24/7. हाँ 24/7 फ्री भी होता है कोई कोई शिप्स में, जैसे मैंने बताया $10 500 MB वाला सिस्टम. और लास्ट उसके पहले भी एक शिप था सागर का, अभी ही यूज्ड टू गेट 2 आवर्स फ्री ना. हाँ उसमें 2 आवर्स पैसा कुछ देना नहीं है, लाइक 2 आवर्स आपको इज द मैक्सिमम यू कैन यूज नेट. एंड जो करने का यूट्यूब देखना है फेसबुक देखो बट ओनली 2 आवर्स. हाँ कंडीशन वही होते हैं जैसे 2 आवर्स या 500 MB जो भी है वो सब होता है. बट स्पीड इतनी होती है स्पीड बट इतनी ज्यादा नहीं होती स्पीड. ऑब्वियसली जो प्लान होता है वो होता तो है अच्छा बट स्पीड तो समुद्र के बीच and, में सैटेलाइट के थ्रू होता है तो एक और चीज है कि बीच बीच में चला भी जाता है वो. and you can't do anything. हाँ तो कुछ नहीं कर सकता, आपको वेट करना पड़ेगा कि सैटेलाइट कब कवरेज में आएगा फिर से नेट चालू होगा. और एक सबसे बड़ी बात होती है कि जब नेट होता है तो वी हैव टू वेट फॉर हिम टू स्टार्ट द नेट, देन वी कैन टॉक. लाइक वी आई कैन नॉट कॉल हिम जब मेरे को चाहिए कि चलो हाँ मैं कॉल करती सागर से बात करती. नहीं सागर का एंड कैन यू लॉग इन लॉग आउट करना पड़ता है. एंड कैन यू यूज इट ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स में यूज नहीं करना है नेट. ये तो अभी स्ट्रिक्ट हो गया काफी कि आपको काम करते हुए यूज नहीं करना है. और बहुत सारे मतलब सभी शिप्स पे ऐसा है कि आप काम करते हुए यूज करोगे तो आपका नेट आप बंद कर देंगे आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए. तो कंपनीज काफी स्ट्रिक्ट हो गई है आजकल बिकॉज बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग नेग्लिजेंस हो जाते हैं काम करते हुए यूज करते हैं बिकॉज शिपिंग इंडस्ट्री में ऐसा है कि एक गलती किसी की भी सब पे भारी पड़ सकती है, जो ऑफिस में बैठा है उसको भी भारी पड़ सकती है. एंड कैसे पता चलते हैं उनको आप लोग यूज कर रहे हो नेट, लाइक छुट्टू की भी यूज कर सकते हो ना नेट. के यूज करेंगे तो उनके पास रिकॉर्ड्स होता है, वो उन लोग जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उनको भी एक आईडी देते हैं जिनसे वो चेक करते हैं कि कौन कौन है. वो स्पेसिफिक आईडी से दे चेक द टाइमिंग्स, जिसने लॉग इन किया किसने लॉग आउट किया, तो दे विल इजीली कम टू नो. क्योंकि शिपिंग में सब रैंक होते हैं तो रैंक के हिसाब से सबका जो टाइमिंग होता है काम करने का वो मोस्टली सेम होता है. तो सबको पता होता है कि अभी जैसे सेकंड ऑफिसर है तो उसका वॉच जो है 12 से लेकर 4 बजे तक होता है, तो सबको पता है वो. तो उसके टाइम के बीच में अगर वो यूज कर रहा है तो उनको इजीली समझ जाएगा, फिर उसका नेट बंद हो जाएगा सीधे सीधे. तो इट इज इम्पॉसिबल टू हाइड आज के टाइम में, तो बहुत ये हो गया है तो यू कैन नॉट हाइड. तो इट इज बेटर कि आप ऑफ टाइम में यूज करो, ज्यादा बात मत करो, थोड़ा बात करो हर दिन करो बट आधा घंटा 1 घंटे में अपने ऑफ टाइम में यूज करो आराम से, फिर रेस्ट टाइम में रेस्ट करो. वॉच में यूज ही नहीं करना है सबसे बेस्ट है. और ऐसा भी होता है ना किसी एक की गलती की वजह से सबका नेट भी वैसे दे जस्ट डिस्कनेक्ट द वाईफाई फ्रॉम द शिप, किसी को भी यूज नहीं करने देंगे बिकॉज ऑफ वन पर्सन. अगर किसी ने भी उनके ड्यूटी के टाइम पे दे यूज द नेट एंड द कंपनी गेट्स नो अबाउट इट, सबका नेट बंद किया जाएगा. इसके लिए एवरीवन हैज टू बी लाइक कॉशियस, एक की गलती सबको भारी पड़ेगी. सो द 10th क्वेश्चन इज डू यू हैव एकोमोडेशन फैसिलिटी शिप पे. आप लोग कैसे सोते हो, क्या क्या कहाँ पे सोते हो, क्या होता है वो बता रही है.
शिप पे कहाँ पे सोते हो? शिप पे सबको कैबिन मिलता है, जिनको भी जाना है ये सब इतना टेंशन नहीं लेना है, सबको अपना अपना सेपरेट कैबिन मिलता है। और जो पुराने शिप्स होते हैं उन पे क्या होता है, हाँ कैबिन तो सबको सेपरेट मिलेगा ही मिलेगा जो, बट कभी कभी ट्रेनीज जो होते हैं, जैसे आप देखते हैं बंकर बेड्स होते हैं कोई कोई इसमें, बहुत कम शिप्स में अभी वो सब ये हो गया, एक के ऊपर एक बेड तो, पर आपको बेड तो मिलेगा सोने के लिए, वो कुछ नहीं, सोफा भी मिलेगा बैठने के लिए। बट न्यू शिप्स जो जो अभी आए हैं सबको सेपरेट कैबिन है, और कैबिन मतलब एक बेड होगा और एक छोटे सा सोफा होगा, देन एक टेबल चेयर होगा, और अभी तो बाथरूम भी वॉशरूम भी सबका अंदर ही हो गया है, तो एकोमोडेशन आपको प्रॉपर है। आपके जितना टाइम आप शिप पे रहोगे, आपको जैसे आप किसी को रिलीव कर रहे हो तो आप उसके कैबिन में वो चला जाएगा और आप उसका कैबिन ले लोगे, फिर आप उतरोगे दूसरा कोई आ जाएगा, तो एकोमोडेशन सबको मिलता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई बाहर सोएगा या ऐसा सोएगा, सो बेसिकली खाना लाइक एवरीवन एकोमोडेशन ये सबको मिलेगा प्रॉपर, वो रिक्वायरमेंट है और वो तो सबको मिलना ही चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। और सबको मतलब सेम साइज के होते हैं अकोमोडेशन, और इज इट लाइक किसी को बड़ा मिलता है हाँ अकोमोडेशन, कोई किसी को बड़ा छोटा रूम, ऐसा कुछ है, कैसा हाँ होता है? एकोमोडेशन मैक्सिमम लोगों का सेम ही साइज होता है, बट सिर्फ जो टॉप फोर होते हैं मैनेजमेंट लेवल वाले उनका थोड़ा सा बड़ा होता है, बट ज्यादा बड़ा भी नहीं होता। एंड टॉप फोर इन द सेंस कौन? टॉप फोर इन द सेंस कैप्टन होता है जो डेक साइड में, कैप्टन तो ओवरऑल इंचार्ज है तो वो है। फिर इंजन रूम जो नीचे होता है वो चीफ इंजीनियर उनके इंचार्ज होते हैं, उन्हीं के नीचे आ जाते हैं, तो कैप्टन के नीचे चीफ ऑफिसर एंड देन चीफ इंजीनियर के नीचे सेकेंड इंजीनियर, ये टॉप फोर होते हैं। टॉप फोर रैंक जो इंपॉर्टेंट रैंक्स है मैनेजमेंट लेवल, उनके केबिन्स थोड़े बड़े होते हैं, और उनका एक डे रूम भी होता है, मतलब जैसा नॉर्मल हाउस होता है तो एक हॉल होता है और एक बेडरूम होता है जो भी है, तो एक डे रूम होगा जो उनका ऑफिस टाइप होगा, उसमें एक कंप्यूटर भी होता है काम करने के लिए उनको, और स्पेशल उसके डेस्क वेस्क रखने हाँ के तो लिए। उनका काम थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब थोड़ा ज्यादा है तो उनको वो मिलता है, एंड देन एक बेडरूम होगा, बेडरूम साइज तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है उतना ही, और बस उतना ही है डिफरेंस, ज्यादा और किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को 5 स्टार होटल जैसे 3 BHK टाइप क्रूज रूम टाइप। दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जगह जितनी भी मैक्सिमम होती है वो सब यूटिलाइज की जाती है कार्गो के लिए, अकोमोडेशन जितना छोटा बनाए उतना उनको फायदा है, जितना कार्गो ज्यादा कैरी करोगे उतना फायदा ज्यादा होगा उनको। ओके, सो द 11th क्वेश्चन इज, दिस इज 11th क्वेश्चन, या इज मेडिकल कंपलसरी वाइल ज्वाइनिंग? लाइक आप लोग जब ज्वाइनिंग करते हो तो मेडिकल हर टाइम होता है कि कैसा होता है? लाइक वो बताइए। मेडिकल, यस मेडिकल इज कंपलसरी एवरी टाइम यू ज्वाइन, मेडिकल आपको करना ही है, और मेडिकल तो पूरा होता है बेसिकली, ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर के पास लेके गए चेक किया बस ऐसे ऊपर नीचे देखा और आपको बोल दिया आप फिट है आप जा सकते हो, क्योंकि सी फेरर लोगों के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है, शिप पे कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, तो उसके लिए मेडिकल मीन्स फुल मेडिकल होगा आपका, उनका एक पर्टिकुलर एक लिस्ट होता है कि आपको क्या क्या चेक करना है उसमें, जैसे ECG भी होता है, सोनोग्राफी भी होता है, ब्लड टेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, फिजिकल चेकअप तो होता ही है, और आजकल तो वो ट्रेडमिल टेस्ट भी चल रहा है जो स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं जिसको, उसमें आपको ट्रेडमिल पे भगाया जाता है, और भगाने के बाद दे चेक कि आदमी प्रेशर में और आदमी अगर ज्यादा टायर्ड है तो उसमें उनका हार्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज बहुत सारे केसेस हो गए जिसमें बहुत लोगों को हार्ट अटैक हुआ है और वो रहे नहीं, तो आजकल वो भी बहुत सीरियसली चेक कर रहे हैं, तो मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शिप पे डॉक्टर कोई ऐसा होता नहीं है और कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं है बड़ा कि आपको प्रोफेशनली कोई ऑपरेट कर पाए, तो इसके लिए पहले ही वो चेक करते हैं कि आप मेडिकली फिट है या नहीं प्रॉपर, आप काम कर सकते हैं क्या नहीं, ऐसे नहीं कोई मरीज को जिसको हार्ट प्रॉब्लम है या किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, हार्ट टूटा है या जो भी है, आपको शिप पे भेज दे, क्योंकि वो फिर आपको वापस लेके आना और या डाइवर्ट करना, लाइफ तो इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है, तो मेडिकल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेडिकल आपको हर बार ज्वाइनिंग से पहले करना ही पड़ेगा, और ज्वाइनिंग से पहले के आजकल तो बहुत सारे शिप्स है जो जैसे केमिकल्स कैरी करते हैं एंड ऑल, आपको साइन ऑफ के बाद भी करना पड़ता है मेडिकल, ये भी रिक्वायरमेंट आ गया है, और कंपनीज इस पे बहुत स्ट्रिक्टली आ रही है कि आपको मेडिकल्स करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप ऐसे एटमोसफेयर से आ रहे हो कि आपके बॉडी में कुछ भी हो सकता है, केमिकल से वही होता है, गैसेस वगैरह आप अगर इनहेल करते हो
तो वो थोड़ा अभी आपको इफेक्ट नहीं दिखाता है बट बाद में दिखाता है। तो इसके लिए दे कैरी आउट अ केमिकल टेस्ट ऑल्सो फॉर दैट, जो आपके साइन ऑफ के बाद होता है कि फ्यूचर में कुछ आपको प्रॉब्लम ना हो तो वो पहले डिटेक्ट कर लेंगे कि क्या है। तो मेडिकल तो कंपलसरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो तो आप नहीं जा पाओगे, जब तक आप वो चीज को ऑपरेट नहीं करते हो। जैसे किसी का हाथ टूटा है, कुछ हो गया है, तो जब तक वो पूरा ठीक नहीं हो जाता, किसी का कुछ स्टोन है तो वो स्टोन आपको ऑपरेट ऑपरेट किए बिना जब तक निकलता नहीं तो आप नहीं जा सकते हो। तो यू हैव टू बी लाइक हाँ, यू हैव टू मेडिकली बी फिट, मेडिकली फिट एंड डॉक्टर को डॉक्टर का ओके भी होना हाँ रिपोर्ट में चाहिए। होना ही चाहिए मेडिकली फिट। और वो रिपोर्ट आपको नहीं देगा, वो डायरेक्ट आप मेडिकल करोगे तो सीधा वो कंपनी में जाता है, तो कंपनी को मालूम पड़ेगा, कंपनी आपको बताएगी। अगर आप फिट नहीं हो तो कंपनी आपको कॉल करके बोलेगी कि आप फिट नहीं हो, आप अभी नहीं जा सकते हो, आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप ठीक हो के आइए, ऐसा है। बट ये हर बार होता है मेडिकल, इट इज कंपलसरी सबके लिए, सब रैंक्स के लिए, कोई उसमें ये नहीं है। 12th क्वेश्चन इज, कैन यू टेक योर फैमिली ऑन बोर्ड? क्या आप फैमिली को भी लेके जा सकते हो आपके शिप पे? एंड फैमिली इन द सेंस कौन होता है, फैमिली में कौन इंक्लूडिंग है वो भी बताइए आप। फैमिली को आप लेके जा सकते हो बट सभी को अलाउड नहीं है फैमिली लेके जाना। बहुत सारे कंपनीज में इट इज ओनली, मतलब मैक्सिमम कंपनी सब में इट इज ओनली फॉर टॉप फोर। जैसा टॉप फोर बताया कि मैंने बताया कि मास्टर, कैप्टन, चीफ इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर एंड चीफ ऑफिसर, वो टॉप फोर होते हैं, तो सिर्फ इनको अलाउड होता है फैमिली को लेके जाना। बट कुछ कुछ कंपनी ऐसे भी है जो सेकेंड ऑफिसर और उसके नीचे वाले एक एक रैंक, सेकेंड ऑफिसर, थर्ड इंजीनियर होते हैं और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होते हैं, जो उनको भी अलाउ करती है फैमिली लेके जाने। और फैमिली में जैसा, फैमिली में आपको अलाउड है ओनली योर वाइफ एंड योर चिल्ड्रन। इसके अलावा आप जैसे आपके मॉम डैड है, भाई बहन है, उन सबको नहीं लेके जा सकते। आप सिर्फ अपने वाइफ और आपके बच्चों को लेके जा सकते हैं, बाकी कोई अलाउड नहीं है। और हाँ, मोस्टली जो सब में वही है, टॉप फोर को ही अलाउड है फैमिली लेके जाना। एंड तो फैमिली में बच्चे मतलब कितने एज के अलाउड रहते हैं बच्चे मोस्टली? मोस्टली, अभी मुझे एग्जैक्टली एज पता नहीं बट आई थिंक इट इज अप टू 13 इयर्स, 13 इयर्स तक अलाउड एंड है, मिनिमम मिनिमम इज 1 ईयर आई थिंक सो, मुझे मुझे लग रहा है एग्जैक्टली 2, बिकॉज आई सॉ शिप सेलर सुनील का वीडियो एंड ही टुक हिज डॉटर, तो ही तो सेड कि हो टू सकता है मुझे इयर्स अभी एग्जैक्टली, अभी जब हो जाएंगे हम लोग तभी मालूम पड़ेगा कि मिनिमम एज कितना है। तो मिनिमम 2 भी हो सकता है, मुझे एंड मैक्सिमम एग्जैक्टली लाइक 13 14 थर्टीन समथिंग। फोर्टीन ऐसा है। ऐसा नहीं कि आप 20 22 साल तक एंड लेके जा रहे हो, कितने मंथ रह सकते, कितने महीने रह सकते हो लोग शिप पे, ऐसा कुछ ऐसा है? कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जब तक आप हो, जैसा मैं जा रहा हूँ तो शी इज गोइंग विद मी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि शी हैज टू गेट डाउन इन 2 मंथ्स, और व्हेन आई एम गोइंग शी कैन गो विद मी एंड व्हेन आई एम कमिंग बैक शी कैन कम बैक विद मी, ऐसा कुछ नहीं है। सो यू कैन सेल एज हाँ, लॉन्ग एज एज लॉन्ग एज यू ही वॉन्ट। इज देयर हाँ, लाइक दैट। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पोर्ट्स एंड कोई कोई जगह पे ऐसा होता है कि आपको अलाउड नहीं होता है, कोई कोई फैमिली जगह में नहीं है बट कुछ कुछ रूल्स प्लेसेस वेन यू क्रॉस विच आर पायरेट इफेक्टेड, मतलब जहाँ पे पायरेट्स होते हैं, तो उस टाइम में आपकी फैमिली जो भी है, वाइफ या आपके बच्चे हैं, उनको उतार दिया जाता है। और फिर वो क्रॉस करने के बाद आपको फिर से, इफ यू वॉन्ट टू कॉल यू कैन कॉल, ऐसा है। बट वो एरियाज में कंपनी स्ट्रिक्ट है, यू आर नॉट अलाउड टू कैरी फैमिली। और जो एक्सपेंस होता है बेसिकली वो आपको बेयर करना पड़ता है, जो भी है। शिप पे रहना फ्री है बट आपको जो फ्लाइट टिकट्स, वीजा के कॉस्ट वगैरह, वो सब आपको भरना पड़ेगा, वो कंपनी बेयर नहीं करती। तो आप लेके जा सकते हो फैमिली को आराम से, जितना टाइम आप रह रहे हो आपके साथ रह सकती है, फिर आने के टाइम आपके साथ आ सकती हाँ, है। इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू बेयर माई एक्सपेंसेस। शिप जा जा जाएगी, वहां मैं घूम सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ, बट मेरे मेरे जो भी वीजा है, मेरे आने जाने की फ्लाइट की टिकट्स, एवरीथिंग ही हैज टू पे। बट खाना पीना रहना वो शिप में सब वो फ्री शिप में पे फ्री होगा। होगा। सो ऐसा होता है, मतलब आपको अगर कंट्रीज देखना, अलग अलग कंट्रीज देखना, तो आप जा सकते हो, लेकिन टिकट्स आपको देना, एक बार का टिकट लाइक जाने का एंड आने का, बस दैट्स इट। उसके बीच पे जो कंट्री में जाएंगे उसमें सब फ्री होगा ना। यस ओके, सो 13th क्वेश्चन इज, आर देयर डॉक्टर्स ऑन बोर्ड? डॉक्टर्स होते हैं क्या बोर्ड ऑन बोर्ड? लाइक किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्या करते हैं वो टाइम पे? डॉक्टर्स, प्रोफेशनल डॉक्टर्स तो नहीं होते शिप्स पे, मर्चेंट शिप्स पे तो नहीं होते, पैसेंजर शिप्स पे होते हैं, कोई रिक्वायरमेंट है।
एग्जैक्ट मेरे को नंबर अभी याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक इट इज अबाउट 30 पैसेंजर्स अगर होंगे शिप पे तो यू आर रिक्वायर्ड, 30 और 50 आई एम नॉट सो श्योर। तो आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर होना चाहिए। पैसेंजर शिप्स पे तो होते काफी सारे डॉक्टर्स होते हैं, बट मर्चेंट शिप्स पे नहीं होते क्योंकि क्रू मोस्टली 25 मैक्सिमम जैसे मैंने बोला, तो डॉक्टर्स तो नहीं होते। बट हाँ, जैसा हर एक रैंक की अलग अलग ड्यूटीज होती है, वैसे जो डेक साइड में जो होते हैं मोस्टली थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, देन चीफ ऑफिसर, देन कैप्टन, तो हम लोगों को अलग अलग लेवल्स पे जो मेडिकल की ट्रेनिंग मिली जाती है, दी जाती है एक्चुअली। तो हमें एक जैसे फर्स्ट एड होता है, देन कैसे नॉर्मल चीजें जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो किसी को एक्सीडेंट, या उसके जो टाइम जो होता है उसके बीच में कुछ हो गया, अगर कोई गिर गया तो आप कैसे फर्स्ट एड दोगे, कैसे उसको फर्दर रिस्ट्रिक्ट करोगे कंडीशन और खराब होने से, तो वो बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है हमें। सर्टिफिकेट भी होता है हमारे पास क्वालिफाइड एंड और आपका हाँ बेसिक जैसे CPR वगैरह बहुत सारा होता है, किसी को अटैक आया तो कोई अनकॉन्शियस हो गया, ज्यादा ही हो गया, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि समुंदर के एग्जैक्टली बीच में तो कोई आएगा नहीं, आएगा तो भी उसको काफी टाइम लगेगा अगर चॉपर से भी आता है तो उतने में आपको कुछ करना है ना तो बंदा बचेगा नहीं, तो इसके लिए वो ट्रेनिंग हमें दी जाती है। तो अरे हर एक रैंक पे आपको अलग अलग ट्रेनिंग मिलती है। तो जो मेन इंचार्ज होता है उसका वो कैप्टन ही होता है, तो कैप्टन जो बोलेंगे वो उसके हिसाब से ही करना पड़ता है कि अगर इसको ये हो गया है तो दवाई देनी है तो क्या करना है, तो कैप्टन बताते हैं कि हाँ इनको ये दवाई दो। कैप्टन एंड सेकंड ऑफिसर ना, सेकंड ऑफिसर इज द असिस्टेंट, कैप्टन बोलेंगे सेकंड ऑफिसर को कि हाँ ये लॉकर है मेडिसिन लॉकर, इसमें से तुम ये दवाई निकाल के इसको दे दो, चेक करके कि तुम लोग ही डॉक्टर होते हो। हम लोग ही डॉक्टर है, बट आजकल जैसे इंटरनेट और सब आ गया, मेल वगैरह पहले भी चलता था बट इतना ये नहीं था, तो वॉट वी डू इज आजकल मेडिसिन देने से पहले भी आपको कंपनी में पूछना पड़ता है कंपनी के डॉक्टर को कि ये कंडीशन है पेशेंट का जो भी है शिप पे, तो इसके ये सिम्टम्स है। How do you ask that, for example, like? वो मेल में हम लोग लिखते हैं, मेल में जो कंपनी का डॉक्टर होता है उसको एड्रेस करते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, इनकी कंडीशन ऐसी है, इनको कल से ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अभी आप क्या मेडिसिन देंगे, तो वो डॉक्टर्स जो है वो 24/7 अवेलेबल होते हैं एंड दे विल रिप्लाई यू बैक, बहुत जल्दी रिप्लाई कर देंगे कि आप ये मेडिसिन, एंड दे हैव द लिस्ट ऑफ व्हाट ऑल मेडिसिन यू हैव, तो वो मेडिसिन के हिसाब से दे विल एडवाइस यू द मेडिसिन विच यू नीड टू गिव टू द पेशेंट जो भी है, एंड दे विल आस्क फॉर द रिपोर्ट ऑल्सो कि क्या कंडीशन है अभी 8 घंटे बाद 6 घंटे बाद, कंटिन्यू जब तक बंदा ठीक नहीं हो जाता तब तक वो पूछते रहेंगे। तो ये इसको रेडियो मेडिकल एडवाइस भी बोलते हैं बेसिकली, तो आप डॉक्टर से कनेक्टेड है ऐसा नहीं है, बट हाँ मोमेंट पे वो नहीं है, अगर कुछ बड़ी चीज हो जाती है, स्टिचिंग करना है एंड ऑल दैट यू हैव टू डू, तो उसमें आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और वो मोमेंट पे आपको करना ही पड़ता है, वो दवाई देना और वो सब देना तो ठीक है थोड़ी, बट ऐसा कभी किसी को होना नहीं चाहिए मेन चीज। तो बेसिकली डॉक्टर्स होते नहीं है, जो डॉक्टर्स नहीं होते, ट्रेनिंग दिया जाता है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देता है, बेसिक ट्रेनिंग, नॉट लाइक ऑपरेशन करना, वैसा नहीं है, नॉर्मल सिरिंज से आपको इंजेक्शन देना, थोड़ा सा स्टिचिंग करना, नॉर्मल दवाई देना वो सब तो है, वो बुक भी होती है उससे रेफर करके दे सकते हो, और जो मोस्टली जो है वो कोई अगर अनकॉन्शियस हो गया सांस लेने में तो उसको ऑक्सीजन की बॉटल्स होती है छोटी छोटी, तो ऑक्सीजन आपको कैसे लगाना है, फिर CPR कैसे देना है, कोई अनकॉन्शियस हो गया इसका हार्ट बीट नहीं कर रहा है, वो बेसिक चीजें हैं, वो सब चीजें हमें बताई जाती है कि कैसे करना है, तो वो सब चीजें होती है, डॉक्टर्स तो नहीं होते। ओके, सो द 14th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इज जिम अवेलेबल ऑन बोर्ड, बिकॉज मैं तो सागर हेल्थ फ्रीक हूं, यू नो दैट, ओ सो आई नीड टू नो कि आप लोग उसमें शिप में जिम होता है क्या, कैसे होता है, लाइक जिसको बॉडी बनाने का शौक होता है या बहुत जिम जाने का शौक होता है, तो 6 महीने अगर वो शिप पे है देन हाउ डू यू कीप योर बॉडी फिट। जिम होता है शिप पे, बट ऐसा फुल फ्लो जिम नहीं होता जैसा यहाँ पे होता है, कुछ कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रेडमिल तो मोस्टली मिलेगा ही आपको, साइक्लिंग का भी मिलेगा एंड नॉर्मल छोटे मोटे डंबल्स होंगे एंड और तो मोस्टली कुछ नहीं होता, एक आधी मशीन मिलेगी आपको जो फुल मशीन होती है वो मिलेगी,
ट्रेडमिल वगैरह आपको मिलेगा एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि वो भी एक, मैंने जैसा वेलफेयर का बोला, इंटरनेट का रिक्वायरमेंट सब आ गया, वैसे जिम का भी है कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ होना चाहिए, तो जिम आपको मिलेगा शिप पे। आप बहुत सारे शिप्स पे नहीं होता है तो कैप्टन्स उनको जो इक्विपमेंट्स होता है वो दे ऑर्डर इट, कंपनी को बोल के वो मंगाते हैं, और एक कोई पर्टिकुलर एरिया में जिम बना, ऐसा स्पेसिफिक एरिया नहीं होता जिम का, जो खाली ऐसा एरिया होगा कोई रूम होगा तो उसमें दे मेक अ जिम कि ये इक्विपमेंट यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे रख के जिम बना देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस है, फिटनेस कॉन्शियस है, तो बहुत सारे लोग जाते हैं जिम में, मतलब थोड़ा बहुत साइकिलिंग करने या रनिंग करने के लिए। ऐसा कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स तो मतलब इतना कोई होता नहीं, बिकॉज काम ही इतना होता है कि आदमी को इतना टाइम नहीं मिलता प्रोफेशनली, बट कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको जिम की आदत होती है, तो हर दिन जाके कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं थोड़े बहुत, कभी ना कभी एक तो मिल ही जाएगा आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो हेल्थ एकदम ज्यादा कॉन्शियस है, तो जिम तो मिलेंगे आपको। बट काम ही इतना होता है कि कुछ कुछ है, बाकी लोग बोलेंगे कि काम ही इतना होता है कि जिम करने की जरूरत नहीं, आदमी ऐसे ही थक जाता है क्योंकि फिर जाके सो जाता है, जिम इतना कोई करता नहीं है। बट होता है, जिम होता है, आपको मिलेगा, और न्यू शिप्स पे तो पहले से ही सब इक्विपमेंट्स ऑलरेडी होंगे, तो अगर आप जा रहे हैं शिप पे तो आपको जिम मिलेगा। बट हाँ, जिम करना भी जरूरी है, थोड़ा बहुत तो हेल्दी रहना पड़ेगा अभी आज के टाइम में, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो जिम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, फिर तो बॉडी बनाइए बट काम भी करिए साथ में। सो गाइस, ये थे मेरे 14 क्वेश्चंस जो कि मैंने यहाँ वहां से ढूंढ के, एंड मेरे जो माइंड में भी थे पहले, जो माइंड में थे मेरे जब मैं सागर को नहीं जानती थी इतना, तो वो भी सब क्वेश्चंस मैंने जॉट डाउन किए थे, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लोगों को, कुछ होगा तो यू कैन जस्ट नोट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड उसका रिप्लाई सागर दी राजपूत आपको दे देगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। या सो गाइस, दिस वाज माय छोटा सा एक व्लॉग बोले कि 1-to-1 डिस्कशन ऑन द मिथ्स ऑफ मर्चेंट नेवी, ये आपको भी आई होप आंसर्स मिल गए होंगे आपके कॉमन क्वेरीज के ऊपर जो कि लोगों को होता है, एंड होपफुली हेल्पफुल हो सबको। या आई होप सो, ऐसे हम लोग बनाते रहेंगे, तो आई होप यू लाइक दिस छोटू सा एक वीडियो, सो वी विल बी बैक विद सम अदर वीडियो वेरी सून, सम अदर व्लॉग, टिल देन बाय बाय, एंड नो यू हैव टू सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर। Yeah. So guys, I'll be back with some other video, some other day. Till then, bye bye. And I love you all. Good night. Bye.